चित्रकूट में कांग्रेस की जीत और पार्टी का अनुकूल समय आने के बाद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला बुरहानपुर का है, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे पूर्व सांसद व खंडवा बुरहानपुर प्रभारी संजय कपूर को गुटबाजी का सामना करना पड़ा। संजय कपूर के पहुंचने पर इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ ने उनका वाहन रोक लिया और उन्हें पूर्व जनपद अध्यक्ष ठाकुर सुरेंद्र सिंह के निवास ले गए, जहां पहले तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। पूर्व जिला महामंत्री सलीम कॉटनवाला ने सार्वजनिक रूप से प्रभारी संजय कपूर के सामने कहा कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी पार्टी को बर्बाद करने वाला जिलाध्यक्ष है और उनकी आस्था कांग्रेस में कम बीजेपी में अधिक है। पिछले दरवाजे से बजरंग दल विहिप से जुड़े लोगों को कांग्रेस शामिल कर दिया, जबकि निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने बताया यह भारी भीड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष से पीड़ित लोगों की है। अजय रघुवंशी से कोई शिकायत नहीं है मेरी, मेरी जिलाध्यक्ष से शिकायत है कि उधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने इन आरोपों को हंसी में टालते हुए शिकायतकर्ताओं पर ही आरोप मढ़ते हुए कहा कि वह लोग कांग्रेसी नहीं है, अगर कांग्रेस होते तो सही फोरम पर शिकायत करते, पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ते। सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने पार्टी की किरकिरी होने पर जिले के प्रभारी पूर्व सांसद संजय कपूर ने कहा कि पार्टी गदा परिवार है, जहां मतभेद होना स्वाभाविक है। पार्टी में खुला लोकतंत्र है और सभी को अपनी बात रखने की आजादी है। इन शिकायतों पर गौर किया जाएगा। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।